तो गाइस दोबारा से राइट क्राफ्ट एंड माइनक्राफ्ट के आज की इस वाली वीडियो में हम लोग फ्लैशबैक होगा भाई हमारा सर्वाइवल अल्टेंट। पिछली वाली वीडियो में ना भाई मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा घर अपग्रेड किया था एंड यहाँ पे थोड़े से डेकोरेशंस किए थे ताकि थोड़ा सा अपना वर्ल्ड अच्छा लगे एंड मैंने इसे बना ही दिया था। बट फिर मैंने भाई ऑफलाइन खेल रहा था, मतलब ऑफ वीडियो खेल रहा था एंड फिर हुआ कि भाई जब मैं गेम खेलते खेलते एक रवीन में घुस गया। ओके फिर घुसने के बाद जो हुआ भाई मेरा पूरा का पूरा आर्मर चला गया, सारे टूल्स चले गए एंड उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा नए टूल्स एंड नए आर्मर्स बनाना पड़ा एंड ये एक लेदर अनब्रेकिंग वन पड़ा हुआ है इस पर। अभी एक जॉम्बी को मारा ना उधर से मिल गया मेरे को थोड़ा सा एंड अभी देखो भाई मेरे पास ए फ्यू मोमेंट्स लेटर एंड आज की इस वाली वीडियो में भाई मेरे को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो रही है बट हमें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। तो भाई मैंने सोचा एक आयरन फार्म बनाने का जो कि भाई 1.20 में बिल्कुल मस्त वर्क करे एंड हमें उससे अनलिमिटेड आयरन भी मिले। तो उसके लिए कैसे हम लोग जो जो सामान लगेगा भाई मैंने ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तुम्हारे सामने सारे के सारे प्रिपरेशन होने वाले हैं वरना तुम बोलोगे भाई तुमने तो क्रिएटिव यूज़ कर लिया। तो वही मैं नहीं चाहता एंड अपने शुगर केन भी ग्रो हो गई यार, मैंने पिछली वाली वीडियो में उसे काट के थोड़ा सा अलग लगा दिया था यहाँ पे अगर तुमने देखा होगा तो भाई मैंने काट के लगा दिया था एंड देखो अपनी शुगर केन ग्रो हो गई है यार, जल्दी हो रहा है थोड़ा, ये मज़ा आएगा। ओके ये एक एंड यहाँ पे शायद से दो या तीन हो गई है, नीचे मत गिर जाए भाई ड्राउंड है उस तरफ एंड मेरे को ये वाला भी थोड़ा सा एक्सपेंड करना है फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर फार्म का एरिया बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग को ना याद रहे सही से भाई कि ये अपना शुगर केन फार्म है ना कि कुछ और। तो एक काम करता हूँ पहले ना निकल जाए भाई मेरी इन्वेंट्री आ जाए तो मैं कुछ करूँ। ओके मेरी इन्वेंट्री आ गई, हम लोग को इसे ऐसे लगाना है उसके ऊपर मत लग जाना भाई मेरे। हाँ तो हमने पहले भाई सबको ऐसे लाइन से ओके लग गया भाई, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आई थी भाई मेरे को ट्राइडेंट पड़ा वो भी गंदा वाला भाई, कहाँ से पड़ा यार, है क्या ड्राउंड है क्या, आवाज़ तो आ रही है ड्राउंड की, आने दो गाइस हम लोग को अभी उतना काम नहीं है। मेरे पास अभी पड़ी हुई है यहाँ पे शीयर्स एंड शीयर से हम लोग को लेनी है यहाँ पे थोड़ी सी पेड़ों की लीफ चाहिए हम लोग को मेनली एंड एक साथ इतने भी नहीं काटने हैं भाई। 1 hour later ओके 48 हो गए मेरे पास, तो मेरे को ज़्यादा इतनी की ज़रूरत नहीं है मेरे पास। ओके ओके भाई लेट्स गो भाई, यार कहाँ जाऊँ भाई, बारिश भी शुरू होगी घंटा यहाँ पे जाऊँगा मैं कहीं पे। अब तो ज़ॉम्बी आएंगे खच 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 करेंगे यहाँ पे, समझ लो ना कौन सी खच खच। तो भाई वही मैं नहीं चाहता, अभी क्रीपर ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन होते हैं भाई साहब। ओके मेरा घर का दरवाज़ा बंद था, लेट्स गो अपने अपने उस वाले एरिया पे चलते हैं डायरेक्ट एंड इधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब 2000 years later जिस टॉर्च से भर रखा है मैंने ये वाला एरिया एंड हाँ ये भाई ये वाला एरिया जहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं। ये विलेज से कुछ तो दूर है ही भाई, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दूर नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा दूर तो है ही एंड यहाँ से दिखता भी नहीं है विलेज सही से, मतलब अंदर आ जाओ तो दिखता ही नहीं है अच्छे से। ओके तो गाइस मैं यहीं पे बनाने वाला हूँ तो तुम लोग थोड़ा सा देख लो भाई, अभी के लिए आउटलाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं एटलीस्ट, हम लोग सारा काम करते करते टाइम हो जाएगा वैसे। तो लेट्स गो, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, सॉरी एक ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी यार ज़्यादा हो गया, अब यार क्यों तोड़ा मैंने उसे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन इस तरफ से गाइस 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सेम टू सेम इस तरफ भी गाइस 2 3 4 5 6 7 8 एंड हो गया 9। ओके गाइस इतना हो गया एंड अपने को अभी क्यों करता हूँ भाई ये मैं, अरे यार अलग ही बकलूर शिट शिट ये मिल गया हम लोग को, लेट्स गो मैंने इसे शेयर कर दिया एंड हाँ भाई मेरे को बेड की भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसलिए ना भाई मैं इन्हें भी शेयर कर लेता हूँ। बेड की भी ज़रूरत पड़ेगी भाई एटलीस्ट, हम लोग को 20 beds की ज़रूरत है तुम समझ रहे हो ना भाई, 20 beds मतलब कितना हमें वूल चाहिए, 20 into 3 कर दो ना भाई कितना हो गया 60 वूल चाहिए भाई हमें, 60 वूल चाहिए मेरे पास उतने में भाई, इधर उधर करके भी मेरे पास 60 तो नहीं पड़ी होगी ऑब्वियसली, 60 वूल तो नहीं पड़ी होगी भाई मुझे सही से बताए भाई 60 वूल कहाँ मेरे पास पड़ी होगी भाई, कहीं मेरे पास वही 20 से 30 वूल पड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को और 30 लानी पड़ेगी समझ लो ना भाई। यहीं पे ना भाई यहाँ पे मेरा चेस्ट है वहीं पे तुम्हें दिखा देता हूँ कितनी वूल पड़ी हुई है मेरे पास, यहाँ के चेस्ट में मेरे पास 2 वूल एक्स्ट्रा पड़ी हुई 7 हो गई
एक काम करता हूँ ना गाइस, मैं आता हूँ थोड़ा सा वहाँ से, एंड तभी हम लोग पता चलेगा भाई कितना लिटर, क्योंकि वो उग भी गया भाई उसका वोल, कितना जल्दी जल्दी ये लोग खा रहे हैं भाई। ये थोड़ा भाई हेलो हमें भूल दे दो, थैंक्स। ये लोग भूल दे भी देते हैं, बहुत अच्छे बहुत बुरे इंसान है वैसे। फिर से उग गया भाई इसका वोल, जल्दी दे दो। ओके लेट्स गो, हो गया गाइस। मैं चलता हूँ थोड़ा सा नीचे, हाँ क्लच करना सीख गया तुम्हारा भाई, देख रहे हो यार इसे बोलते हैं क्लच। अरे वहाँ पे भी पड़ा हुआ वूल थोड़ा सा भाई, आज तो वूल दिख ही रहा है बहुत ज़्यादा, नहीं डैमेज नहीं पड़ा, बस बच गए भाई। एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करना चाहिए भाई, जब हो नहीं रहा ना भाई तब ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए, वरना ये भी हो सकता है भाई। रुक जा है एक मिनट, रुक जा भाई मेरे, शिट यार ये तोड़ने भी नहीं देगा ये शीर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हो गया यार लेट्स गो भाई, तुम्हें सीधा मिलता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, वो भी साफ वेदर के साथ थोड़ा। एंड मेरे ओए चल ले भाई, मेरे ब्रेड भी खत्म हो गए, अब घर लूटना पड़ेगा जाके विलेज थोड़ा सा। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस। मेरे पास 25 वूल है, हम लोग को 60 वूल की जरूरत पड़ेगी अभी, एंड भाई उतना ही इंटू समझ लो अपना बेड के लिए जरूरत पड़ेगा लॉक का भी, तो भाई मैं वही समझ रहा हूँ अभी करना क्या है हमें। पहले अपने हंगर, अबे यार हंगर बार भी फुल नहीं हुई भाई मेरी, फूड पड़ा है। कोल है भाई यहाँ पे, कोल तो है यहाँ, थोड़ा सा स्मेल्ट कर लेते हैं हम लोग अपना फूड अभी के लिए। और मेरे पास यही एक पड़ा था और कुछ नहीं था मेरे पास, बस इतना रहने देते हैं अभी के लिए। मैं सोच रहा हूँ क्या करा जाए इससे वहाँ पे ना, एक सेकंड एक सोवेल बना लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा भाई। यार हो जाएगा बट पता चलेगा ईजी होगा कि कॉम्प्लेक्स, बाद में वहाँ पे जाके पता चलेगा ना भाई। यहाँ से मैं कैसे बता दूँ अभी ईजी होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा यार। ओके नाइस सी, अभी एक्स इतनी सारी पड़ी हुई है कि भाई कोई देखेगा तो बोल। अबे यार मैं अभी नहीं जाने वाला, लिटरली मैं नहीं जाने वाला अभी, जब जाऊंगा भाई अभी देखो रात भी हो गई है। मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनल नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, एंड हाँ तुम्हारा भाई फिर से यहाँ पे आ चुका है। अब चलो गाइस, अब चलता हूँ ना भाई यहाँ से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास फूड भी एक फूड पड़ा हुआ है, उससे हो जाएगा अपना भाई। फूड भी नहीं बोलूँगा उसे मैं, मटन है वो, कुक्ड मटन है, तो गाइस हम लोग इसे खा लेते हैं अभी के लिए, ताकि थोड़ा सा भाई जो हेल्थ है ना। ओए ओए मर गया भाई इसकी आग, ओ भाई साहब ये जान अलग में आ गई थी गाइस, इसकी टांग भाई इतना प्रॉब्लम से घर बनाया तू, इधर आके पट बहन की, ओ भैंस की भाई इधर आ साढ़े, अच्छा फट फट ना साढ़े, थैंक्स। ऐसे भाई कोई डैमेज भी नहीं होता ना भाई, अरे वो सीधा एकदम घर के सामने आके एकदम मुँह पे आके फटेगा भाई, घर तो जाएगा जाएगा, मेरा आर्मर भी चला जाता भैंस की आँख। ओए मेरे भाई साहब फट गया था भाई लिटरली, मैं अंदर है क्या वो, एक और बार घूम लूँ, नहीं है ना, हो भाई बच गए भाई, चल भाई साहब भाई जान हलक में आ गई थी भाई साहब। भाई तू तू चुप कर जा, तू पहले तो भाई मुंह के सामने एकदम भाई साहब क्रीपर भाई मेरे। ओके लेट्स गो गाइस, चलते हैं अभी थोड़ा सा विलेज पे, थोड़ा सा 2000 years later वेस्ट नहीं किया मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए, वो एक एरिया बना दिया ताकि हम लोग को इजीली हम लोग का आर्मर मिल जाए डायमंड का, इसके लिए हम लोग को इतना दूर जाना पड़ता, ऑब्वियसली मैं नहीं जाऊँगा। तो गाइस वहाँ पे ना उस तरफ में दिख ही रहा होगा एक ऐसा घर जैसा कुछ बना दिया है मैंने उधर, ताकि वो वहाँ पे एक बंदा रह ले एंड उसके अंदर अपना रहता है भाई, कौन कौन रहता है भाई, तो मैं भी नहीं याद आ रहा भाई कौन रहता था, अबे कोई नहीं है यार, कौन रहता था यार, मरा रहता था आई थिंक सो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी भाई वहाँ पे तो खुद पॉपुलेशन 5 की है यार, कहाँ से लाऊंगा मैं 20 विलेजर्स। तो छोड़ो यार पहले इस फार्म का काम आधा करते हैं, तो इसके लिए भाई हम लोग यहाँ से 3 ब्लॉक्स नीचे ट्रिक करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड हाँ फिर से 1 2 3 एंड बस 1 2 3 एंड भाई मैंने गलती कर दी भाई, मेरे को नीचे नहीं रहना चाहिए था भाई, ऊपर रहता तो अपना कुछ काम हो जाता, बट छोड़ो ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 अपने कितना हो गया ना भाई, 1 2 3 क्योंकि 1 2 3 फिर ये फिर ये फिर ये ये
एंड ऐसा 1 hour later 9x9 का जो एरिया था मैंने वो क्लियर कर दिया है एंड अभी बाकी है गाइस हम लोग को ये वाला एरिया क्लियर करना है। तो ओके गाइस, तो जब हम लोग को ये वाला एरिया करना है ना तो इसके लिए हम लोग को एक मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के इस तरफ को करना है ताकि वो एरिया राउंड अप हो जाए। तो ये देखो इसे ऐसे करना है, बस हम लोग को ये ब्लॉक मतलब जो साइड के एक बाउंड्री ब्लॉक है ना इसे छोड़ देना है एंड उसके बाद हम लोग को इस तरफ से करना शुरू करना है, बस साइड साइड में बस एक एक ब्लॉक छोड़ देना है एंड उसके बाद से करना है शुरू। एंड मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं समझ में आ ही गया होगा, बस बाउंड्री ब्लॉक का हम लोग को छोड़ देना है एंड उसके बाद जितने भी फ्लेचिंग टेबल भी चाहिए भाई 20 तो 20 फ्लेचिंग टेबल के हम लोग को अभी देखो वो तो भाई बात की बात हो गई है इस पर। अभी हम लोग को यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, अभी हम लोग को अभी 5 ब्लॉक्स और डिक करना है नीचे। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बस एंड ऐसे हम लोग को 5 ब्लॉक जो नीचे डिक करके आना है एंड देखो बस 1 2 3 एंड भाई ऐसे इसे भी बस कंप्लीट ही करना है वैसे ही, बाकी इसे छोड़ देना है, समझ रहे हो ना यार इसे छोड़ना नहीं है इसे कंप्लीट करना है। तो ओके मैं तुम्हें कंप्लीट करके मिलता हूँ बट थोड़ा सा रुको। तो ऐसे ये वाला चंक जो था भाई मैंने पूरा का पूरा माइन कर दिया एंड अभी हमें गिरना नहीं था ऑब्वियसली, तो इतना मैंने चंक यहाँ पे पूरा माइन कर दिया एंड अब इसके ऊपर हम लोग को डालने हैं विलेजेस के लिए बेड एंड मुझे बेड लेके आने पड़ेंगे क्योंकि भाई मैं बेड यहाँ पे लाया नहीं हूँ अपने साथ। 26 वहाँ पे मेरे पास वूल पड़े हुए थे, मेरे को अभी भी याद है, तो मेरे को बेड बना के भी लाने पड़ेंगे एंड थोड़े से वूल और हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। तो जल्दी से चलते हैं एंड विलेजेस के लिए पहले बेड लेके आते हैं। ओके तो लेट्स गो एंड वहाँ पे शीप और घूम रही है तो भाई थोड़ा सा उनसे भी हम लोग को भी वूल उधार लेना पड़ेगा, बाद में उन लोग का जो भी है भाई सब चुका दिया जाएगा। पता नहीं भाई इस माइनक्राफ्ट का क्या होता है भाई साहब, एक ना एक ऐसा कोना होता है जहाँ पे भीड़ बजी जाता है, क्या कर सकता हूँ वहाँ पे। ये देखो ना भाई इसकी तो अंधा ही है। A few moments later भाई मेरे घर के सामने से जा रही तू कट, अपना वूल दे के जाना, तो मैं वो बोल रहा था तू तो गलत समझ रही है यार। गलत कौन समझता है यार। ओके और अभी पास अपने पास कितने हो गए वूल, वैसे 26 27 आई थिंक सो मेरे पास पहले ही पड़े हुए थे एंड 7 more मीन्स हो गया 30 1 hour later बट मेरे को अभी आयरन फार्म चाहिए तो भाई मैं इनके लिए कुछ भी करूँगा, समझ रहे हो ना, इस कुछ भी मतलब इन लोग को भी मारना पड़ेगा तो मारूंगा। एंड ये रहा गाइस अपना आर्मरर, तुम यहाँ पे देख ही सकते हो आर्मरर भाई, सुन ले मेरी बात थोड़ा आर्मरर भाई। हाँ तो तू मेरे को ट्रेड कर रहा था ना भाई उस दिन, ही ट्रेड कर रहा था मुझे आई थिंक सो जर्नल 3 के ट्रेड कर रहा था, मुझे अभी याद है भाई ये जर्नल 3 के ट्रेड कर रहा था। एंड भाई तू भाड़ में जा, तू सो मत सो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू जाके किसी और के बेड में सो गाइस, मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि रात हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है एंड हाँ तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है वापस एंड यहाँ पे मेरे एक और क्राफ्टिंग टेबल पड़ा हुआ है तो यहीं पे मैं लगा तो बेड्स भी लगा बना लेता हूँ, लगा लेता हूँ क्या भाई बना लेता हूँ। एंड हाँ क्राफ्ट टेबल मेरे में बेड नहीं आ रहे क्या यहाँ पे, क्यों बेड नहीं आ रहे भाई, हाँ मेरे आ रहा ना, आ रहा नहीं आएगा, आएगा आएगा। तो अपने को चाहिए 20 beds एंड यहाँ पे 11 beds 15 से ज़्यादा बेड है ही बन रहे। A few moments later कल के भी करेंगे ना भाई, वहाँ पे थोड़ा सा स्मेल्टिंग पे डाल दूंगा अपना सामान आधा अधूरा जो भी बाकी बचा हुआ है ना भाई, उसको मैं स्मेल्टिंग पे डाल दूंगा इससे उसकी मदद से हम लोग जब स्मेल्ट कर लेंगे सामान ना तो और हम लोग थोड़ी ना ज़रूरत पड़ेगा कि भाई वहाँ पे कुर्सी घूम रही है जिसके पास बहुत सारा वुल है, अच्छे नहीं लगते भाई। अबे चुप कर जा, नहीं नहीं भाई तो मेरा हंगर बार लिटरली गया हुआ है भाई, मेरे को नहीं दी शिट भाई, मैं क्या करता हूँ भाई साहब, मरा ना मर गया ना, अपने खुद के जान दे दूंगा भाई, हंगर बार गया हुआ है भाई मेरा पूरा का पूरा भाई। दो यहाँ पे एक और आई हुई है भाई, ये शायद से बोल रही है तुम मेरा बोल ले लो, थैंक यू वैसे तुम्हें बोलता नहीं बट हाँ थैंक यू, और तू यहीं पे रोक जाना मत कहीं समझी क्या। तो ओके पहले हम लोग पास अभी 15 beds पड़े हुए हैं, तो 15 भी नहीं कितने बन गए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए हैं, अभी हमें कुछ थोड़ा सा और चाहिए, तो मैं कम करता हूँ थोड़ा सा सामान अपना हल्का कर देते हैं जिससे हम लोग को इजीली मिल जाए। तो अभी 6 arrow पड़ी हुई इसे हटा देते हैं, इनकी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी इन्हें हटा देते हैं एंड ये इसकी तो अभी मैं ब्रेड ही बना लेता हूँ, थोड़ा सा इन्वेंट्री शॉर्ट करके मिलना पड़ेगा भाई तुम लोगों से, थोड़ा सा बन जाएगा ब्रेड बन गया। ओके कुछ बचा और कुछ नहीं बचा ना।
1 hour later. डैमेज गिर गया, वाह वाह क्या क्लच किया है मैंने, ऐसा क्लच तो भाई जीवन भर में कोई ना करेगा भाई। ओके इसे तोड़ते हैं अभी एंड अपने को जो जो सामान चाहिए सारा। 1 2 3 4 5 नहीं 5 6 7 8 9 and 1 more it's perfect 10 guys and इसके ऊपर आएगा एक और layer of bed and उसके ऊपर आएगा यहाँ पे platform and उसके ऊपर आएंगे अपने villagers and उसके ऊपर एक और covering आएगी तो obviously मैंने सही खोदा है यहाँ पे मतलब 5 मिनट में। तो गाइस अपने पास हो गई थोड़ी भी beds की कमी ताकि फिर से ऊपर जाना पड़ेगा चलना पड़ेगा फिर से ऊपर क्योंकि अपने में हो गई है बेड्स की कमी मतलब अपने को चाहिए अभी भी मेरे पास कितने बेड हैं अभी मेरे पास अभी एक बेड बचा हुआ है एंड इस बेड का हम लोग क्या करेंगे एक लगा देते हैं अभी मेरे को 4 और बेड्स की जरूरत पड़ेगी फिर चलते हैं ऊपर एंड ऊपर एकदम जस्ट पहुँचते ही मैं तुम्हें मिलता हूँ वहाँ पे भाई फ्लेचिंग टेबल्स की जरूरत है मैंने उसने भी नहीं बनाया तो उन्हें वो बनाऊँगा अब बेड्स चाहिए। A few moments later मीटिंग भी थोड़ी सी करवा दी थी मैंने पोटैटोज देखे भाई इन लोगों के पास पोटैटोज थे तो मैंने वही दे दिया एंड इन्हीं के फार्म से मैंने इनको ब्रीड करवा दिया एंड भाई देखो ये छोटू ऐसे ऊपर आ गया भाई इन्हें वो रास्ता आई थिंक से बंद नहीं किया था या फिर कुछ ऐसा ही किया था बट हाँ मैं नहीं भाई हो गए भाई अपने विलेजेस तो हो ही गए हैं कितने वहाँ पे 1 2 3 4 भाई गिन भी नहीं सकता भाई रुक जाओ एक जगह थोड़ा 1 2 3 4 भाई 20 भाई हम लोग को 20 विलेजेस चाहिए एंड मैंने 20 फ्लेचिंग टेबल्स वहाँ पे लगाई है आई डोंट थिंक सो भाई एक सेकंड इनको थोड़ा सा ब्रीड दे भी दे दिया है एंड अब बस इन लोग ब्रीड कर ले तो छोटे विलेजेस भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे एंड अब हाँ मैंने ये भी नहीं तोड़ा ना भाई ये थोड़ा सा और चीज़ है भाई इसे का नहीं तोड़ूंगा ना फिर पूरा फार्म ही गलत हो जाएगा बस इतना काम था एंड बस गाइस अब इधर हम लोग को ना ऊपर एक लेयर चढ़ानी है बस कवर करना है इसे एंड ये वर्क करना चाहिए इसके बाद। ओके तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ ऐसे में तो होपर बनाना ही भूल गया हूँ भाई होपर के लिए जितना भी सामान है सारा मेरे घर पर पड़ा हुआ एंड भाई अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा अलग। ओके इसे तोड़ लेता हूँ एंड मेरा सारा भाई एकदम हेल्थ आ चुका है मैंने यहाँ पे स्टोन का ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स यूज किया क्योंकि भाई मैं चाहता नहीं था कि पूरा एकदम यहाँ पे ख़राब हो जाए तो लेट्स गो भाई इतना तो हो गया अभी मेरे को चाहिए और 64 अपना स्टोन मिल गया होता मेरे को थोड़ा अपना यहाँ पे है भाई स्टोन पड़ा हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए इसी स्टोन से काम चल रहा है भाई दूसरी शेयर बनानी पड़ी मुझे लिटरली क्योंकि भाई उतने शेयर से अपना काम हुआ नहीं यार फिर मेरे को बेड के लिए थोड़ा सा और जाना पड़ा वहाँ पे एंड अब मैं ना यहाँ पे इन्हें कवर कर दूंगा एंड ये लोग कैसे मर रहे हैं भाई क्या तो ओके पहले कैसे हम लोग अभी इन्हें कवर करना है एंड कुछ मैंने इस तरह से पैटर्न से मैंने कर दिया जो मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ एंड हाँ बस अभी हमें इसे कवर करना है एंड ये था इनका पैटर्न था कि भाई कवर क्यों नहीं हो रहा यार मुझे कवर हुआ थोड़ा सा पास जाना पड़ा भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया ना कि मतलब आसपास नहीं जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा भाई ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है तो थोड़ा सा हम लोग इसे सही से अभी तक कवर करना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग उसके 1 hour later थोड़ा सा विलेज के पास बना दिया एंड वर्क करेगा या नहीं करेगा फिर भी वो भी हमें पता नहीं है तो हाँ अब मैंने इन्हें कवर कर दिया है एंड होप्स हो गया ये जो है ना फार्म काम कर जाए एंड मेरे को थोड़ा सा आयरन के लिए और जाना पड़ेगा। ओके ऊपर चलता हूँ उससे पहले यहाँ पे हम लोग को ना भाई एक वाटर सोर्स बनाना है एंड यहाँ पे अपना जो आयरन गोलम आएगा वो यहाँ पे तड़प तड़प के मारेगा वो वाला एरिया हमको यहाँ पे बनाना है तो लेट्स गो। पर A few moments later काम था भाई वो तो हो गया एंड अब यहाँ पे लगाना है हमें लावा एंड लावा डालेंगे तो वो गया अपना चेस्ट जहाँ पे हमारा जितना भी बाकी का एरिया है मतलब आयरन जो भी जाएगा भाई वो वहाँ पे कलेक्ट होगा उस वाले चेस्ट में एंड यहाँ पे भाई अपने आयरन गोलम आके मरेंगे तो हाँ भाई मेरे को मन नहीं है भाई वहाँ पे लावा में जाके मरने का तो मैं पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ यहाँ पे कोबलस्टोन लगा देता हूँ उसी के ऊपर अब खड़े होकर यहाँ पे जो लावा है उसे भी लगा डाल देता हूँ सिर्फ पानी यहाँ पे डाल देता हूँ एंड अब मैं चलता हूँ ऊपर एंड ऊपर से जाके हम लोग को फिर इसे बंद कर देना है ताकि हमें पता चले भाई हम लोग सही से किया है या नहीं। ओके तो मैं बस इसे तोड़ता हूँ एंड अब देखते हैं इसका क्या होता है एक भी आयरन गोलम लिटरली गाइस तब से स्पॉन नहीं हुआ है बट जब भी वह सक्सेसफुल फार्म होता है आई थिंक उसमें स्पॉन हो जाता है बट मैंने कुछ गलती करी है ऑब्वियसली उसी की वजह से ये सब हो रहा है एंड बस अभी 21 ही पड़े हुए हैं तो मैं इसी को लगा देता हूँ इससे स्लीप को यहाँ पे कवर कर देते हैं एंड मैं यहाँ पे ज़्यादा भी कोई डेकोरेशन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को डेकोरेशन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे मतलब है यहाँ का फार्म वॉक करना चाहिए या फिर नहीं। हाँ चल जा मेरे भाई
ओके गाइस, तो यहाँ पे जो कलेक्टिंग एरिया है ना, तो वो यहाँ पे है। मैं सोच रहा हूँ अभी इस चेस्ट को हटा देता हूँ, एंड इस चेस्ट को हटा कर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बनाऊं। पर उससे पहले एक शॉवेल बनानी पड़ेगी, मेरे पास नहीं है शॉवेल। 1 hour later अब देखना पड़ेगा कि भाई ये वर्क करता है या नहीं। एक रात हम लोग को यहाँ पे गाइस छोड़ना पड़ेगा आई थिंक सो इसे, बट अभी मैं नहीं चाहता इसे ऐसे छोड़ना, तो मैं करता हूँ थोड़ा सा ना यहाँ पे, एंड देखता हूँ कैसे बनता है ये। लेट्स गो, मैं तुम्हें कवर करके मिलता हूँ, मैं थक गया भाई। तो गाइस मैंने इसे फाइनली राउंड भी कर दिया, एंड भाई एक रात हो चुकी, लिटरली एक रात हो चुकी है गाइस, पर अभी भी भाई एक भी। तो गाइस ये वाला तो भाई हो गया है फेल, एंड भाई इतना सारा काम करने के बाद जब गाइस कुछ चीज़ फेल होता है भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड मैं सच बता रहा हूँ यार, अगले वीडियो में मुझे इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में से ये फेल ही बट सही है गाइस, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बनाया, क्या ही कर सकते हैं। तो छोड़ो भाई, अब कुछ नहीं कर सकते। सो भाई मैं इसे बंद करता हूँ, एंड अगली वीडियो में हम लोग इसका ही तो अलग कुछ करेंगे भाई, पर अभी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत गंदा हो गया भाई साहब। लिटरली मैं एक रात भाई पूरा एकदम जग के बैठा था भाई, काश ये काम कर जाए, काश एक आयरन गोल्ड स्पॉन हो जाए। बट तुम्हें मैं सच दिखाऊंगा इस क्या हुआ है भाई, मेनली ना यहाँ पे कोई स्पॉन हो रहा है, ना ही इस विलेज के पास कोई स्पॉन हो रहा है। यहाँ पे देखो यार, चेस्ट ओपन करूँ घंटा कुछ नहीं है बस। यार यही होता है जब मैं कुछ बेफालतू कुछ करता हूँ भाई साहब, मैं बहुत ज़्यादा सच में गुस्सा आ रहा है गाइस। मन कर रहा है बस गेम डिलीट कर दूँ या फिर कुछ कर दूँ, बट छोड़ो यार, गलती मेरी है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर तुम्हें आज गेम वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जय श्री राम।